लेकर चलते हैं राजस्थान के सीकर, जहां पर सड़क पर मस्त मौला घूमने वाला सांड एक गलती की कई घंटे तक उसे सजा मिलती रही। घर की दूसरी मंजिल पर परेशान इस सांड को हम आपको दिखाते हैं। जमीन पे बेरोक टोक दौड़ने वाला ये जानवर बुरी तरह से फंस गया। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो 200-400 फीट के दायरे में आखिर कैसे कैद हो गया है। तस्वीर देखिए। दरअसल सीकर के लोसल कस्बे के इस मकान की सीढ़ियों से होता हुआ सांड दूसरी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन उतरने का रास्ता उसे मिला ही नहीं, इस वजह से वो भटक गया। जब लोगों ने सांड को देखा तो वो भी हैरान थे। फिर आसपास से जुटे लोग और पशुपालक सांड को उतारने की कोशिश करने लगे, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम साबित रहीं। लोगों को डर था कि अगर सांड ने दूसरी मंजिल से अचानक नीचे छलांग मार दी तो कई लोगों को चोट लगने के साथ जान भी जा सकती है। इसलिए कई घंटे की मशक्कत के बाद सफलता नहीं मिली तो मशीन की मदद ली गई। पास से भारी भरकम गाड़ियां और सामान उठाने में इस्तेमाल क्रेन मंगाई गई और फिर शुरू हुआ सांड का रेस्क्यू। देखिए किस तरह से भारी भरकम सांड को दूसरी मंजिल से नीचे उतारा गया। मजबूत फीते से सांड को बांधा गया था और फिर उसे क्रेन की मदद से उठाकर नीचे रखा गया। जैसे ही सांड जमीन पर आया उसे भी सांस में सांस आई कहा जा सकता है। भैया आखिर सांड को भी लग रहा था कि आखिर हम कहां फंस गए। नाड़ पड़ी होती ने ज्यादा सलाइवेशन की। सीकर की ये दिलचस्प तस्वीर जहां पर सांड दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये कि सीढ़ियों के जरिए सांड ऊपरी मंजिल पर पहुंचा था। नाड़ पड़ी होती ने ज्यादा सलाइवेशन की।